इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासी ड्रामा चल रहा है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के द्वारिका कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा को लेकर सर्च वारंट जारी किया है। जनकपुरी थाने के एसएचओ ने कोर्ट में बग्गा के अपहरण का केस दायर किया था। अब एसएचओ ने कोर्ट में जानकारी दी है कि बग्गा का पता चल गया है, उनकी लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिली है। वरुण जैन ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या अपडेट इस खबर पर? और मुझे हंसी भी आ रही है। दरअसल मतलब ये ऐसा एक मजाक बन गया है पूरा सुबह से कि अब लग रहा है कि क्या क्या समझें और क्या मायने निकालें। क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल जैसे ही दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, उन्होंने द्वारका कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी सर्च वारंट की। तेजिंदर को ढूंढने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, कोर्ट की तरफ से सर्च वारंट भी जारी कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच फिर जो एसएचओ है, उन्होंने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि तेजिंदर की जो लोकेशन है वो मिल गई है और वो कुरुक्षेत्र में है। हालांकि अब इस समय और भी डेवलपमेंट ये हो चुका है कि जो दिल्ली पुलिस है वो अब तेजिंदर को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और लगभग दिल्ली के अंदर दाखिल होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा एक पंजाब पुलिस के ऊपर और पंजाब पुलिस का दिल्ली पुलिस के ऊपर जो हमला था वो लगातार जारी था। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली थी बैकफुट पर पंजाब पुलिस को लाने के लिए। अपहरण के साथ साथ रॉबरी जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया था और साथ ही तुरंत कोर्ट भी पहुंच गई थी दिल्ली पुलिस, जिससे कि आने वाले समय में जो अपने आप को मजबूती से अदालत के सामने जब मामला जाए तो रख सके कि अगर उन्होंने मामला दर्ज किया था तो तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्च वारंट भी जारी कराया। और अगर मैं अभी आपको थाने के बाहर का दिखा दूं तो सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। सभी इसी इंतजार में है कि तेजिंदर यहां पर पहुंचेंगे। हाथों में पोस्टर और बैनर है जिसपे लिखा हुआ है केजरीवाल एक ट्वीट से डर गए, केजरीवाल पगड़ी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं आप देखिए राजनीति जो है वो अब इस पूरे मामले को लेकर चरम पर आ गई है, जोर पर है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।